जितने भी माननीय जितने भी मेरे से बड़े हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे आके और ये सम्मान पाना, इस मंच पे खड़े हो पाना। बस मैं यहाँ से यही कहना चाहूँगी कि हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी का कलर नहीं है, लेडी मैं अरु, हाय बोलो सबको। हेलो गोलू, हेलो बोलने के मूड में नहीं है क्योंकि वो तैयार हो रही है। आज हमारे लाइफ का बहुत बड़ा दिन है और वो आपको अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा क्योंकि मैं ही खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम सारी बहनें लोग मिलके हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो अभी नहीं रिवील करूँगी, 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। ये रहे अरम्या के पापा, और अरम्या के पापा का जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न बहुत सारे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हालांकि वो यहाँ पे हैं। अब आप मुझे ये ट्रोल मत करिएगा कि अपने बेटी को और अपने पति को लेके नहीं गई, क्योंकि इनका खुद ही का मन नहीं है वहाँ जाने के लिए। क्योंकि देखिए सारे लोग तैयार हो गए हैं, वो तैयार नहीं हुए हैं। मैंने उनको बहुत बार बोला और आप सबके मुँह पर भी बोल रही हूँ। तो इस बात को लेके कि इतना बड़ा आपकी लाइफ का बड़ा दिन था और आपके हस्बैंड वहाँ पर नहीं दिखे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबके सामने हैं। आज की तारीख में बता दूँ तो आज की जो तारीख है वो है 8 तारीख, और ये हैं हम लोग जा रहे हैं। ये इनका मन नहीं है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो आज एक बहुत बड़ी जगह पे, वहाँ पे देखेंगे आप सब कुछ अपने लाइफ में मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, शायद चल के वहाँ पर पता चलेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर देखिए सारे लोग तैयार हो रहे हैं। कहाँ चाहिए बोल, इतनी मन्नत ना मैं जल्दी ना भगवान चला किसी की मांगती नहीं हूँ, लेकिन पति परमेश्वर की तो करनी पड़ती है। कितना बोली हूँ, कितना रिक्वेस्ट की, फिर भी पैरों पे मतलब एक तरीके से बोल दिया तो चलिए चलिए, नहीं तो नींद आ रही है, आँख जल रही है, सो नहीं पाया। और वही वाला कपड़ा पहन के आप लोग बोलते हो सो रहे हैं, अभी कॉल कर रही हूँ यहाँ खड़ा हो गया। पूरा खराब लग रहा है, लगा था कि सूत के उठलवाने दिए जी, चल जाए देखो ना बात ना, चलो सन सम्मान हुआ। और यहाँ पे जो भैया जो हैं वो गाना गा रहे हैं, उनको मैंने अवार्ड दिया, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। सच बताऊँ तो मुझे पहले से कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि मुझे 80 घाट अच्छे से अपने फैमिली के साथ तैयार होके आना था। मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, मैं ये कहूँ तो, ना मैंने कोई स्पीच ऐसे कोई तैयार किया था। बट इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा,
इनक्रेडिबल भारत पे इनक्रेडिबल इनकर वॉइस होगा सो इनक्रेडिबल दादरा तक की यात्रा में दिव्य भावुक हो रहे हैं आपने चार बार भोजन करना है श्री मैदान सिंह ने स्वर के साथ लयकर है घोष किया था भावुक के माध्यम से हर्षित का ध्यान इस पर संवाद से हर्षित किया एक बार तुरंत योजना करते हुए अपने घर में हुआ है आग्रह अगर लेकर अपने घर में मौका पा सको तो वह बना हमारे अतिथियों को लेकर मंच बनाए पूरे करे तिवारी जी प्रतिदिन प्रयोग रहता है मणिकाल चंद्र महिमामय अनुष्ठान के साथ गरिमामय भक्ति रहती है क्षेत्र के माननीय व्यक्तित्व की पंडित अजीत मिश्रा जी संघ प्रमुख काशी क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता मिशन आप यहाँ उपस्थित हैं और साथ में श्री शांति विधान युगपत कलाकार लोग से तो प्रसिद्ध है एवं आदरणीय अर्जुन मिश्रा जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की काफी सेविका और जाएं जाएं साथ में अक्षर प्रताप सिंह बहुत ही प्रभावित किया मल्ल सप्तक मध्य सप्तक तार सप्तक आगे है अतिथियों से भी हमारे कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका मान सम्मान कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें आग्रह आने डॉक्टर अपने संबंध से हमारे संस्थान के भक्ति का अतिथियों को प्रदान कर लेती रहो लेती रहो लेती आप करो आप उनके देश के अपने साथ की बहनें और अपने घर की बेटियां भी जो आती हैं तब लगता है कि कार्यक्रम का अपना एक जो मूल स्वरूप है प्राप्त कर रहे हैं हम लोग तो माता शक्ति की आराधना करते हैं तो आप लोग के रूप में भी यहाँ आए चाहे देवी हो चाहे हरि हो चाहे सारे हो प्रकृति की आराधना करते हैं तो आज हम लोग बीच में शांति अच्छा भी आप हर शांति ऊर्जा भी आप तो रवि तिवारी अर्चना मिश्रा जी अर्चना मिश्रा जी का अर्चना दिया होने चले सारे भी एकत्र हैं सद्यान के बारे में उनके बीच में अश्विनी कुमार जी और उनके साथ से लोग भी हैं भव्य से तो आपको बता दें कि अभियान हम लोग लगभग 9 वर्षों से चल रहा है निरंतर की जागरूकता का अभियान है हम सब मिलकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जागृत करते हैं कि प्रकृति अनुकूल है तो हर बात है सारा प्रोग्राम उसी जगह करवाया गया वैदिक मंत्रों का वह लड़कियाँ करती हैं उनके माध्यम से आवाहन होता है यज्ञ होता है और कि उसके सुबह वगैरह कितने अगर छः बहुत दिनों बाद जाए और ये सुबह के रात से माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ नाथ ब्रह्म की आराधना करते हैं तभी कलाकारों को वो लोग भूल भरता कि हम न गा सकते न बजा सकते ये क्षमता तुमको प्राकृतिक रूप से तुमने अर्जित की है तो सबकी ओर से वह प्रार्थना होती है तो हम सब कलाकारों के प्रति भी बहुत आभारी रहते हैं इसके रहते हैं फूल से स्वागत कर जीते क्या पैसा तो हम लोग एक नियमित कार्यक्रम है लेकिन भारतीय संस्कृति के मूल से लोगों को अवगत कराना है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं बड़ों का आदर करते हैं महिलाओं का आदर करते हैं तब हम भारतीय बनते हैं और हिंदा करके हम भारतीय भी बन सकते हैं भारत केवल क्षेत्र नहीं है जहाँ ये मिली है जहाँ ये नैतिक मान्यता है वहाँ भारत है मातृ क्षेत्र को मत मानने की तस्वीर से कल्याण वाले का तो हम लोग भक्ति के संकल्प देखते हैं
ला रखती थी जिन पर रमन पिछहत्तर देवता की भावना रहती है वहाँ पर भाव रखती जहाँ माननीय मूल है निश्चित रूप से वहाँ भारत का शुक्र था। तो बहुत बहुत आभार आप सारे लोगों का, आप लोगों के बीच में दो शब्द ये हमारे बीच में ये गाँव की शांति देखते हैं यूट्यूब दो शब्द आते हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे आके और ये सम्मान पाना, इस मंच पे खड़े हो पाना। बस मैं यहाँ से यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ किसी से कम नहीं है और हाउसवाइफ भी किसी से कम नहीं है। अगर जिनके पास बेटी है वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनके यहाँ बेटी आती है। हम लोग खुद तीन बहनें हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं गाँव से हूँ। और वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है, मेरा YouTube पे चैनल है गांव की शांति करके, तो आप तो वहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कुछ भी अचीव किया है आज मैं यहाँ तक हूँ। अगर ये मेरे माँ बाप ने नहीं सोच लिया होता कि हम बेटी हैं, इनको नहीं पढ़ाया लिखाया जाए, या फिर एक हाउस वाइफ से अगर मेरे पति ने मुझे वो मंच या फिर एक जो सम्मान होता है वो नहीं दिया होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं खड़ी हो सकती। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं यही कहूँगी कि आपके पास बेटी है, आप अपनी बहन है, फैमिली है, अगर आपकी वाइफ कुछ लाइफ में करना चाहती है तो बिल्कुल उसको करने दीजिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम किसी से कम नहीं हैं। और सम्मान की जो शुरुआत होती है वो अपने घरों से ही होती है। घर से जब शुरुआत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी। अजित मिश्रा जी का, अर्चना जी का, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे ये सम्मान दिया, ये मंच दिया, और जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बाबा के जयघोष से पूर्व एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रति भी साधुवाद। और यहाँ के अधिकारी अश्विनी कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे सेवा बनारस के अभियान में साथ साथ गतिमान है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच समर्पित होने जा रहा है हमारे परम आत्मीय योगाचार्य योग गुरु पंडित विजय प्रकाश बच्चन जी को, जिनके ज्ञान प्रकाश से हम सबके स्वास्थ्य का पथ आलोकित होता आ रहा है। कैसा रहा, कैसा लगा, दिखा दो। जो आपको यहाँ तक ले जाती है बड़े पुल से सावरा के तरफ से यात्रा की होता है, ऐसे पुल को नमन करता हूँ। तो आइए हम अपनी साधना करें। तो कहाँ जाने वाले हैं अर्चना दी, बताएंगी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अच्छा, बोट पे बैठ के, बोट पे मस्ती करते। अच्छा चलिए चलते हैं।